नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम पाथफाइंडर पे, जहां हम एग्जामिनेशंस, एडमिशंस और वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशंस और जो अपडेट्स है लेटेस्ट, उनको लेकर आते हैं और उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हुए आप सबके लिए वीडियोस लेकर आते हैं, ताकि आपको सहायता हो इनको अप्लाई करने के लिए और एग्ज़ाम्स के बारे में जानने के लिए, एडमिशन्स की प्रोसीजर्स को जानने के लिए। इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में जानकारी के लिए दोस्तों, आप हमारी जो अन्य दो सर्विस और प्लेटफॉर्म है, कम्युनिटी और अलर्ट की, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर, जो कि नवोदया विद्यालय समिति के असिस्टेंट कमिश्नर और अन्य 15 पदों के लिए है, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से होगी। तो पदों के नाम कुछ इस तरह है दोस्तों, असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन में, फीमेल स्टाफ नर्स में, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर सिविल में, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट आरओ कैडरी में, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जीएनवी कैडरी में, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर, मल्टी टास्किंग स्टाफ। तो ये सारे जो पद हैं, इनकी ओपनिंग की है विद्यालय समिति, नवोदय विद्यालय समिति ने, और काफ़ी सारी वैकेंसीज़ है दोस्तों, तो आप जल्द से जल्द अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन की प्रोसीजर शुरू हो चुकी है और वो अंत हो जाएगी 10/2/2022 में, तो आप जल्द से जल्द एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करते हैं। और जो इसकी अधिकतम आयु सीमा रखी गई है इन सारे पदों को अप्लाई करने के लिए, वो है 45 वर्ष तक की, और वैकेंसी है जो दोस्तों, वो है 1925, जो कि काफ़ी संख्या में और काफ़ी बड़ी ओपनिंग है। तो आप सब जल्द से जल्द अपने एप्लीकेशंस जो है वो भेजना शुरू कर सकते हैं। आइए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार चेक कर लेते हैं। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है दोस्तों, वो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट की सारी डिटेल्स जो है, रिजर्व्ड कैटेगरीज की जो वैकेंसीज है, सारी चीज़ों को यहाँ पे पदों के हिसाब से कैटेगराइज्ड कर दी गई है, और बॉक्स में आप देख सकते हैं सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म्स आप सबमिट करने से पहले इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन की प्रोसीजर है दोस्तों, वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो आपको अप्लाई करनी होगी ऑनलाइन से, और कोई भी मीडियम आपको यहाँ पे नहीं उपलब्ध कराया गया है, तो आपको ऑनलाइन मोड पे ही अप्लाई करना होगा। उसके लिए आपको इनके ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.navodaya.gov.in पे जाकर एप्लीकेशंस को सबमिट करना है, और आपको ध्यान रखना है कि आपके पास एक वैलिड और ऑपरेटिव पर्सनल ईमेल आईडी हो। और ये जो इंस्ट्रक्शंस थी, ये कहे, ये सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना होगा। और जो एप्लीकेशन फ़ीस है असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन के लिए 1500, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 1200, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और बाकी सारे पदों के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1000, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर और मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए 750। तो ये एप्लीकेशन फ़ीस के साथ आपको सबमिट कर देनी होगी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। और ये जो एप्लीकेशन फ़ीस है, ये एससी एसटी और पीएच जो है कैटेगरीज, उनके लिए ये रिक्वायर्ड नहीं है। तो सिर्फ बाकी सारे जो कैटेगरी है उनको ये फ़ीस भरनी होगी ऑनलाइन मोड पर, और एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए, अगर आपको और फी पैटर्न एंड एक्स्ट्रा पोस्टिंग के संबंधित अधिक जानकारी चाहिए, आप ये अटैचमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfind.com पे अवेलेबल करा दी गई है। तो वहाँ जाके आप इस इवेंट को सर्च कर सकते हैं और इन सारे अटैचमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप और भी यदि कोई डाउट्स क्लियर करना चाहते हो, तो आप हमारे फोरम पे भी विजिट कर सकते हैं, जो कि community.exampathfinder.com है। इसकी जो लिंक है दोस्तों, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अवेलेबल करा दी गई है। तो यहाँ जाते ही जब आप स्क्रॉल करके सबसे लोअर वाली सेक्शन में आएंगे, तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिखेगा राइट अ रिप्लाई का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे इस बॉक्स पे आप जो भी इस इवेंट को रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हो, डिस्कशन करना चाहते हो, या फिर कोई डाउट्स क्लियर करना चाहते हो, आप यहाँ पे लिख के उसे पोस्ट कर सकते हैं और हमारी कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको ये अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, धन्यवाद।